नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव अब दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने पांव पसार रहा है और इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश में हमने अपना रिपोर्टर नियुक्त कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे रिपोर्टर ने एक खास खबर आपके लिए भेजी है। ये खबर अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की है। वो जनजातियाँ जो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रही हैं, वो जनजातियाँ जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए एक त्यौहार मनाती है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभी अरुणाचल में हूँ जहाँ न्योकोम फेस्टिवल चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये लोग ड्रेस अप होके रेडी हैं। और न्योकोम यूलो मतलब फेस्टिवल होता है यहाँ का, और ये एरिया जो है न्योकोम है और न्योकोम का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और वैसे तो हम लोग दिन में आए हुए हैं लेकिन ये रात में ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा आज, जिसका झंडा उंडा सब फहरा दिया गया है। रात में ये फेस्टिवल आरंभ होगा। अभी हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं ये फेस्टिवल क्या है और उनके लिए इस फेस्टिवल का मानिक क्या है। जो आपका ये फेस्टिवल है उसके बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले आप लोगों को, आपका मीडिया पर्सन को, हम लोग न्योकोम कमेटी और निशी कमेटी की ओर से 600 वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग का न्योकोम हर साल में हम लोग मनाता है। हम लोग निशी कम्युनिटी अरुणाचल में हमारा सबसे ज्यादा निशी जनजातियां है, इसलिए हर साल हम लोग 23 से 26 तक ये महीना में हम लोग का न्योकोम फेस्टिवल हम लोग मनाते रहता है हर साल में। अच्छा। और ये कभी नहीं खोएगा। हम लोग का पूर्वजों ने जैसे हम लोग को सिखा के आया, समझा के आया, हम लोग का फेस्टिवल को ऐसे मनाना है, वही दिन में ये दिन में मनाना है, ये दिन से ये दिन तक, इतना तारीख से इतना तारीख तक मनाने के लिए हम लोग को मैंने पहले से मैंने पूर्वजों ने सिखा के आया, हम लोग इसीलिए अभी तक मना रहा है। और हमारा मेन न्योकोम का मुद्दा ये है, हम लोग निशी जनजातियों ने ये न्योकोम साल में एक बार इसलिए मनाता है कि हम लोग का एरिया में कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है और कभी कभी आदमी बाईचांस मर जाता है और कभी कभी हम लोग का फसल जो है खेती करने से फसल जो है बहुत लॉस होता है। तो हमारा पुजारी जो है, इसीलिए हम लोग मंगल देख के पुजारी को भी खुशी खुशी हम लोग नहीं चुनता है, वो मंगल का देवता का त्रो से हम लोग पुजारी को भी चुना जाता है। पुजारी को चुन के हम लोग ने हर साल में एक एक पुजारी, हम किसी का मंगल में अच्छा होने से, मंगल दिख के उसका अच्छा होने से उसको हम लोग बुलाते हैं। जितना पुजारी उसको सब अपना दिल से खुशी से नहीं बुलाता है पुजारी को, जब भगवान ने उसको बुलाओ के हम लोग को सिंबल दिया जाता है तब जाके वही पुजारी को हम लोग बुला के पूजा कराता है हर न्योकम में। और जितना भी हमारा अरुणाचल में जितना भी निशी जनजातियों के साथ मैंने पास में आज सेम दिन में और सेम तारीख में हम लोग न्योकम मना रहा है, जहाँ जहाँ निशी भाई बहन लोग है, जहाँ जहाँ निशी लोग है। इसलिए हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि न्योकम को हम लोग अच्छा से आने वाला भविष्य के लिए, जो भाई बहन जो अच्छा से पढ़ लिख के आने के लिए और हमारा खेती बाड़ी अच्छा से फसल होने के लिए और लैंड स्लिप नहीं होने के लिए, आदमी नहीं मरने के लिए हम लोग न्योकोम पूजा असली में हम लोग मनाते हैं साल का वो ये में। इसलिए अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे आज से ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, ये फेस्टिवल और कितने दिन तक रहेगा? आज से हम लोग, आज 26 तारीख है, 26 में से 24 तारीख 24 तारीख से हम लोग शुरू करके हम लोग का सेक्रीफाइस डे 26 को है, 26 को हम लोग 26 को सेक्रीफाई होगा। उसके बाद 27 को हम लोग का पुजारी को हम लोग जाने देगा। हम लोग चार दिन हम लोग मनाते हैं ये पूजा को। चार दिन। अच्छा सर, यहाँ जो आपने कहा कि फसल होता है, ये कौन कौन सा यहाँ पे फसल होती है? यहाँ में हम लोग का खेती, अभी खेती करने का सीजन आ रहा है, झूम खेती का, पानी खेती का तो अभी सीजन नहीं है, झूम खेती का हम लोग का सीजन आ रहा है। झूम खेती में हम लोग माने ये है धान और मिलेट जो हम लोग मरुआ पीता है वो, उसका बाद मकई, उसका बाद सब्जी, उसका बाद उसका साथ में और बहुत कुछ लगाता है हम लोग का खेती में, झूम खेती में। मेन तो हम लोग का धान है जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम आगे चलते हैं, कुछ जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका कुछ कोई कंपटीशन वगैरह भी होता है ना, तो उसकी भी कुछ तैयारियां चल रही है, तो वहां चल के हम उन लोगों से बात करते हैं कि वो कैसे है। सर, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। जैसे कि मैं मीडिया पर्सन से आप लोग को बहुत शुक्रिया अदा देता हूँ, आप लोग का मीडिया का द्वारा से, ताकि कोई हम लोग का वो जो ऑल हम लोग का यहाँ में सिर्फ न्योकुम हम लोग का यहाँ में सिर्फ नहीं है, ऑल निशी इस परों को मैं पपन पर कहाँ का मैं डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बिलोंग करता है मीन्स वहाँ में है, लेकिन हम लोग सहिंसा से हम बिलोंग करता हूँ। हम लोग सहिंसा न्योकुम जो ऐसे है कि मीन्स हम लोग जो मीन्स निशी का पहचान जी निशी का ट्रेडिशन को गायब नहीं करवाएगा बोल के जी मीन्स ये हम लोग जो न्योकुम जो है उसको हम लोग सेलिब्रेशन करता हूँ जी। और आप लोग भी इतना तकलीफ से आया हुआ है, और आप लोग को भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। और हम लोग का न्योकुम का मीनिंग जो ऐसे है कि मीन्स हम लोग ये हम लोग का ये पहाड़ और पानी हम लोग काई में कुछ हो गया तो वह हम लोग को बीमार ना हो जी मीन्स भले उसको हम लोग बलिदान देगा जी, वो जो हम लोग को बीमार से मरने हो नहीं होना है, हम लोग का ये पहाड़ सार टिक तक होना है, और हम लोग को बीमार ना होना है, और हम लोग खेती बाड़ी सब अच्छा हो उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग निशी ट्रेडिशनल का हिस्सा में हम लोग उसको हम लोग ये बलिदान दे देते हैं बोलते हैं न्योकुम। और हमारे साथ हैं यहाँ के सेक्रेटरी साहब, हम उनसे बात करेंगे जरा सा। सेक्रेटरी साहब बताएं इस पूजा का महत्व और इसका। मैं ये हमारा 38 न्योकुम येलो फेस्टिवल है सिरसा का, 38 है अभी आप बैठे को देख सकते हैं, 38 है हमारा प्रोग्राम आज का प्रोग्राम। हम लोग का जो निशी के ट्राइब है जो कल्चर हम प्रिजर्व करते हैं, हम लोग प्रिजर्व करना है जी। और प्लस हमारा ये न्योकुम तो आने वाला साल भी और चलेंगे, और 38 या 39-40 भी चलेंगे। और हमारा ये न्योकुम मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ न्योकुम में सभी आइए, और मैं चाहता हूँ सभी आइए देखिए न्योकुम कैसे होता है। जी जी बिल्कुल, देखना चाहिए यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर को मेंशन करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ट्रेडिशन कल्चर का अपना महत्व होता है जी हाँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी देखिए सभी आइए, और अपना कल्चर और ये ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए और न्योकुम को हम सब मिलके एक साथ जुट करके हम लोग उसको मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये न्योकुम में सभी को सभी जातियां हर एक किसी भी आदमी हो स्वागत है, सभी को स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेस्टिवल है हमारे निशंग समाज का, जो अबोतानी कहता है, हमारा अनसेस्ट्रल अबोतानी कहता है, जो अबोतानी का जितना जो जनरेशन है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसका न्योकुम का मतलब एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि न्योक मीन्स इसमें दो 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 मीनिंग है, न्योक माने एरिया जहां हम मोमिन होता है जी, जहां हमारा समाज रहता है जी, न्योक माने वो है एरिया जी। और कुंभ माने गैदरिंग, बिल्कुल कुंभ हिंदी में भी आता है, कुंभ माने गैदरिंग, जहां हर एक चीज का गैदरिंग जी, जो हमारा देवता है जी, जो एरिया का देवता है, नदी पहाड़ जंगल पशु पक्षी का देवता का गैदरिंग, और साथ ही साथ हम जितना जो लोग रहता है समाज में, हर रंग का हो हर जात का हो, वो गैदरिंग होता है, उसको कुंभ बोलता है जी। और ये हम ऐसे गैदरिंग करके इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये फेस्टिवल को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम जितना जो लोग यहाँ एरिया में रहता है, जिस मन इस समाज में रहता है, वो लोग फले फूले उसका जीवन फले फूले, और कोई बीमार हाजिर ना हो, कोई मरे ना, सुखमय जीवन हो और सब मिल माल के जिए,
और खान पान एकदम स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, इसलिए मनाया जाता है। और उसको जो देवता है, देवता को तो हम आम आदमी देख नहीं पाता है और बात नहीं कर पाता है, तो देवता को हम पूजा किया जाता है, पूजन किया जाता है हमारा प्रेस का जरिए। हमारा प्रेस में ऐसे वो पावर है, नेचुरल गिफ्टेड, जो नेचर गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड शक्ति है उसमें, उनमें हमारा प्रेस में यहां 10 दिन कंटिन्यूसली बिना रोके बात कर सकता है। वो जो है इंसान से बात नहीं करता है, वो जो देवता है, देवता लोगों से बात करता है कंटिन्यूसली 10-20 दिन, एक महीना तक बात किया जा सकता है। उसका शक्ति ये है और वो हम सारा समाज के लिए वो बात करके 4-5 दिन कंटिन्यूसली चैंटिंग करके, वो देवता से चैंटिंग करके वो हमारा भलाई के लिए, हमारा हम समाज में जितना जो लोग रहता है उनका भलाई के लिए, हम सब का भलाई के लिए वो बात करते हैं देवताओं से, ताकि ये एरिया ठीक हो, कोई फ्लाट ना हो, एरिया में सुख शांति आए, सुख शांति हो, बीमार हजर ना हो, कोई ना मरे, इसी तरह से मैंने वो देवताओं से बात करता है 5 दिन तक कंटिन्यूसली, और जगरा पिछरा ना हो, सब मैंने मिल माल के रहे तो, और जितना सकता है यहाँ जो लोग रहता है उसको आगे बढ़ने दे, संपत्ति संपत्ति से बोलो या खुशियां से बोलो, खुशियां बोलो या एकदम हेल्थ बोलो, हेल्थ बोलो, मन आगे बढ़े जी, हर एक को आगे बढ़े और ऐसा ही हो, मन वो चैंटिंग कर देता है। ये है हमारा पुजारी का खासियत। Oh, 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 oh
अरुणाचल से हमारे रिपोर्टर ने की थी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप भी अपने क्षेत्र की खबरें हम तक भेजना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क करें। रिपोर्टर्स का भी स्वागत है। धन्यवाद।